हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप क्या सब अच्छे हो गए। हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं पहुंच चुका हूँ सुनील जी घर पर, और यहाँ पर जो है सोने की जेठानी जी का लड़का है, उनका जन्मदिन है। 9 साल का हो चुका है, तो उसका केक भी कटने वाला है। चलो तो कटवाते हैं केक, मान जाएगा। और देखिए केक कटनी तैयारी हो चुकी है, मोमबत्ती लगा दिया उसमें, और अब केक काट रहे हैं आदि को। तो आदि का जन्मदिन है आज, सोने की जेठानी जी का लड़का है, उनका जन्मदिन है। 9 साल का लड़का हो चुका है, और छोटी सी डेकोरेशन भी की है, अच्छी लग रही है, बच्चों ने खुद की अपने आप। और देखिए सोना दीदी, उनकी दुरानी है, उनकी छोटी सी बेटी हुई है अभी पिछले हफ्ते ही। और दीदी बोल रही है कि हम तो अपनी छोटी बेटी पे भी केक कटवाएंगे, उससे भी केक कटवाने को बोल रही है। आदि के नाना जी और दादाजी केक कटवा रहे हैं, जो पीले कुर्ते में है ये तो आदि के नाना जी है, और सफ़ेद कुर्ते में है उनके दादाजी है। दोनों मौसा जी लगते हैं हमारे, तो आदि ने केक काटना शुरू कर दिया है। और सभी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि ये मोमबत्ती बार बार बुझा रहे थे और बार बार अपने आप ही जल रही थी। पता नहीं कैसी मोमबत्ती थी ये। आप इधर बोलो, लगा के काटी से के काको इधर कर मुझे यार, खोल ले ले लो बाबा जी, ले लो क्या ला। शाबाश बाबा जी को भी खिला दे, काट दे मोनी का, काट दे मोनी का, तू इस पर कट भी रहा सही। बस बाबा जी को भी खुआ दे, अब जा ले लो बाबा जी, ले लो आदमी शाबाश। सोनिया दीदी और उनकी दुरानी बीच में है, और जेठानी बराबर में है, यानी कि आदि की मम्मी। और अब नंबर आ चुका है मेरा और सोने दीदी के देवर का, तो सोने दीदी के देवर हैं और मैं आदि को केक खिला रहे हैं। और एक साथ दो काम हो गए, सोने दीदी को कोठी लिया और आदि का बर्थडे मना लिया। पिछले साल ही बुला रहे थे मुझे अपने जन्मदिन पर, लेकिन मैं आ नहीं पाया था। आपके दोनों काम एक साथ हो चुके हैं। और अब आ चुके हैं हमारी मौसी जी, सोनिया दीदी की सासू माँ, अपने पोते को केक खिलाने के लिए। और केक कट चुका है, कटने के बाद और लड़की को जमा दिया है, कन्या को जमा दिया है यहाँ पर। और उसके बाद मैं छत पर आ गया था, खाना बना दिया दीदी हमने, तो खाना खाना है और उसके बाद अपना वीडियो एडिट करना और अपना काम करना है, और समय के साथ वीडियो अपलोड कर दूँगा आज। और जिन सब्सक्राइबर का जन्मदिन बर्थडे है, तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और साल दैया जी का जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समी मीरे जी का जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सोने दीदी की दुरानी की लड़की, तो उनको लिया हफ्जा, क्योंकि शाम नहीं ले पाया था, शाम में दूर से चल कर आया था, इसलिए मैंने शाम इसको नहीं लिया था, तो अब लिया है सुबह के टाइम नहा धोकर। इसका नाम इसकी मामा नु कह रही थी, या क्या नाम आदिति रखेंगे। इधर को देख तू भी, और आपको बता दूं सोने दीदी के कोई संतान नहीं है अभी, कोई बेबी नहीं है। तो उनकी कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, और भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से जल्द ही उनको भी संतान प्राप्ति हो। और सच में छोटा बेबी को खिलाने में बहुत आनंद आता है, बहुत मन लगता है छोटा बेबी को गोद में लेकर, बहुत खुशी होती है। और सोनिया दीदी बोल रही थी कि ये 9 दिन की हो चुकी है आज, 9 तारीख को, 9 अगस्त है आज। टाइम हो चुका है, देखिए रेडी है नहा धोकर, और बर्थडे में 8 बज चुके हैं।
और बैग बांध लिया गाड़ी पर। ये सालू घर पर ही भी भाई और रास्ते में हमने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन रास्ते में हमें मोर मिल गया तो हमने कुछ वीडियो बनाया उसकी। तो देखिए आज मोर को दिखाते हैं आपको कैसे बीच सड़क में घूम रहा है। और हमें देखकर ईखों में गन्ने खेत में जा चुके हैं अंदर, देखिए। और गांव में पहुंचने वाले हैं हम लोग, और देखिए कितने घने बादल हो रहे हैं। लेकिन आज बरसात नहीं हुई रास्ते में, अच्छा मौसम था, बरसात का मौसम था, लेकिन नहीं हो पाई, अच्छा रहा आज नहीं भीगे हम। और कल तो सोने दीदी के भीग तो आ गया था मैं, और वहां जाकर ठंड लगने लगी थी, उसके बाद चाय पी, आपको बताया था कल की वीडियो में। तो हम आ चुके हैं अपने मोड़ पर गाँव के। तो माड़ी बाबा की जय हो, हे बाबा मेरी यात्रा मंगलमय हो और हमेशा मंगल में ही रहे। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, हर हर महादेव। आज की और कल की यात्रा बहुत सफल रही है और घर आ चुके हम, गगन बैग उतार रहे हैं और पूजा भी छत से नीचे आ चुके हैं हमें देख तो सर, और गगन ने बैग खोल दिया है। और सोनिया दीदी घर आ चुकी है मेरे साथ, तो मिल लीजिए सोनिया दीदी से। और उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पर जा चुका था और आज ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए थोड़ी सी क्लिप पुरानी है मेरे पास, वे आज डाल रहा हूँ। और ये कुछ जा रही है, फाइट मत करो। और ये दो पहलवान ओलंपिक के पहलवान, तो गोल्ड मेडल जीतना है ने मुझे हरा कर, तो आज ये गोल्ड जीतने के लिए मुझे हरा रहे हैं और लगता है आज ये गोल्ड जीत कर ही जाएंगे मुझे हरा कर। ये सच में आज इन्होंने गोल्ड जीत लिया है, हरा दिया मुझको। दोस्तों सोनिया दीदी को लड़ने के बाद उसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया था और उसके बाद मैं घेर में आ गया था, तो यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन था जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, वो आप कल के व्लॉग में देख पाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राम राम जी। मिलते हैं आपके और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय, गुड नाइट।